हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रियाज खान। आप देख रहे हैं हमारे चैनल रियाज खान राइट। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपना खुद का फ्री मैप बना सकते हैं मोबाइल से और कंप्यूटर से। तो दोनों तरीके मैं इसी मोबाइल से बताऊंगा। तो आपको मोबाइल में ऐप बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक ऐप की ऐप इंस्टॉल करना होगा। ऐप का नाम है ऐप गीज़र। तो हम प्ले स्टोर पर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है ऐप गीजर। ऐप गीजर को इंस्टॉल सर्च करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को पहली वाली को इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऊपर लोडिंग लेगा इस तरह की, आप देख सकते हैं ब्लू कलर की लोडिंग चल रही थी अभी। तो आप देख सकते हैं कि आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस देखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन। तो यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आप गूगल अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं और फेसबुक आईडी से, तो दोनों में से किसी से भी लॉगिन कर लेते हैं आप कर सकते हैं। तो मैं अपनी गूगल आईडी से लॉगिन करता हूं। तो गूगल आईडी पे मैंने क्लिक कर दिया, तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने अपनी आईडी डाल के इसको लॉगिन कर लिया है। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे पहले तो आपको बोल रहा होगा यहाँ पे क्रिएट नाउ पे क्लिक करने के लिए। तो मैं अब क्रिएट नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का इंटरफेस देखने को फिर से मिल गया। तो मैं क्लिपबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। तो क्लिपबोर्ड पे क्लिक करने पर ये आपको इस तरह का बैनर फिर दिखा रहा है। तो मैं क्रिएट ऐप पे क्लिक करूँगा। क्रिएट ऐप पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे आपको इस वाले पैनल पे क्लिक करना है। तो इस ऐप क्लिक करने के बाद दोस्तों देखने उस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह कई सारे ऐप मिलेंगे। इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बहुत सारी ऐप बनाने को बहुत मिल रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वेबसाइट की ऐप बना सकते हैं जैसे कि वेबसाइट की ऐप बना सकते हैं, वीडियो कॉलिंग की, यहाँ पे क्वेश्चन ऐप की और गाइडिंग, वॉलपेपर, कैश सिमुलेटर, मैसेज, ब्राउज़र, मीडिया, ऐसे इत्यादि कई सारे ऐप्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैं बिजनेस पे क्लिक करूँगा तो बिजनेस पे आपको बिजनेस वाले ऐप मिल जाएंगे अलग ही। तो मैं इंडिविजुअल पर क्लिक करके आपको एक ऐप बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों ऐप बनाने के लिए मैं आपको एग्जांपल में ये वाला ऐप बना के दिखा देता हूँ कि ऐप कैसे बनाना है। तो मैं यहाँ पे इस ऐप पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस तरह का इंटरफेस देखने के बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एल्बम नाम देना है एल्बम को। अब जैसे कि एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, अब यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट अवर इमेज। तो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ दोस्तों तो मेरे सामने मेरी फाइल खुल के आ जाती है, जैसे कि गैलरी। अब मैं यहाँ से 3 लाइन्स पर क्लिक करके मैं गैलरी पर चला जाता हूँ। अब मैं एग्जांपल में आपको दिखा देता हूँ कोई भी एक फ़ोटो डाल के। तो दोस्तों अब एग्जांपल में मैं ये वाली एक फ़ोटो ले लेता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों ये फ़ोटो डल चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एल्बम नेम लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये फ़ोटो किसके ऊपर है,
ये मेरी ये फ़ोटो जो है, मैं एल्बम बना रहा हूँ। तो आप एल्बम बना सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कि आप प्ले स्टोर पर तो अपलोड करेंगे यानी कि पोस्ट करेंगे। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अब जैसे कि चैनल आर्ट है, चैनल आर्ट की इमेज है, तो मैं इसमें दे देता हूँ चैनल आर्ट। ये मेरे यूट्यूब चैनल का है, चैनल आर्ट है। अगर आपको और इमेजेस डालनी है तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऐड मोर पर। ऐड मोर पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप और भी इमेजेस ऐड कर सकते हैं इस तरह से, ऐड मोर पर। और जितने का आप इमेजेस ऐड करना चाहते हैं उतने ही आप इमेज डाल सकते हैं, जितना भी ज़्यादा हो सके। तो दोस्तों, आप जितनी इमेजेस डालना चाहते हो उतना आप डाल सकते हो। तो मैं आपको अगर आपको ज़्यादा ही हो गया तो यहाँ से आप इस रॉन्ग पे क्लिक करके इसे कम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं आपको दो इमेजेस से ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि अब मैंने चैनल आर्ट का इमेज डाला है, तो चैनल आर्ट का इमेज मैंने नाम भी लिख दिया चैनल आर्ट का। तो यहाँ पे एक और इमेजेस मैं ऐड कर देता हूँ, तो आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास मेरे फ्री फायर गेम की इमेज है। तो मैं इस इमेज को यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए, और यहाँ पे इस इमेज का नाम दे देता हूँ मैं कि इमेज कौन सी है। तो मेरी एक गेम की है फ्री फायर गेम। तो मैं इस इमेज का, तो मैंने ये नाम डाल दिया फ्री फायर गेम का इमेज। तो ये डालने के बाद अब आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे बोल रहा है कि ऐप का नाम, यहाँ पे ऐप का नाम डालना है आपको। अब मैं ऐप का नाम दे देता हूँ दिस माई एल्बम। अभी मैंने ऐप का नाम दे दिया है। ऐप का नाम देने के बाद अब मैं यहाँ पे क्लिक नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। आप चाहे तो इस डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, पर मैं डिस्क्रिप्शन में मैं ऐसे ही लिख देता हूँ हेलो। बस आप जो मन करे आप लिख सकते हैं एग्जांपल में। तो मैं आपको ये ऐसे लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे और नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपको लोगो है आपके पास, जैसा मन करे लोगो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आइकन, तो पे ये सिलेक्टेड है, तो आपको इस तरह का आइकन दिखाई दे रहा है। तो मैं अपनी मर्जी का आइकन लगाना चाहता हूँ। जैसे अगर अपनी मर्जी का आइकन लगाना चाहते हो, जैसे कि आप देख सकते हैं इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर अपनी मर्जी का आइकन लगाना है, कस्टम आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का यहाँ पे लिख के आ गया अपलोड। अब यहाँ पे मैं अपना आइकन लगा देता हूँ। तो दोस्तों, मैं आइकन लगा देता हूँ गैलरी एल्बम डाउनलोड PNG। तो मेरे पास PNG एक इमेज है, तो मैं इसको लगा दिया। दोस्तों, मेरे पास आइकन था तो मैंने लगा दिया इस पर लगाने। अगर आपकी आपके पास आइकन है नहीं है तो आप अपनी मर्जी का बना के लगा सकते हैं इमेज, तो बस वो आइकन बन जाएगा। तो मैंने लगा दिया। तो आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद अब आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया है, थोड़ा लोडिंग ले रहा है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट और का ऑप्शन दे रहा है, तो मैं स्क्रिप्ट और कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आपको वो ऐप यूज़ करके देखनी है अपने मोबाइल पे, वो ऐप अगर कौन लिख के आ रहा है, तो मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, अगर उस जो अभी मैंने ऐप बनाई है उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड APK लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया।
तो दोस्तों ये बैनर आ गया, तो इसको कट कर दिया मैंने। तो मैं फिर से क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हैं इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो ये ऐप बनाना शुरू कर दिया गेटिंग डाटा। तो ये 100% होने के बाद, ये 100% हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% होने के बाद यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप लोड भी कर सकते हैं, लोड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से आप अपनी ऐप पब्लिश भी कर सकते हैं। पब्लिश करने के लिए अलग वीडियो बनी हुई है, जो आप यहाँ पे यूट्यूब पे क्लिक करके देख सकते हो इस वीडियो के, कैसे आप अपनी ऐप पब्लिश कर सकते हो। तो मैं इस पर आप क्लिक कर देता हूँ, जो मैंने ऐप बनाई है उसको देखना चाहता हूँ कि कैसी बनी है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट करने के बाद तो इस तरह से ये इंस्टॉल नहीं हो रही है। तो मैं इस तरह बैक जाता हूँ, बैक जाने के बाद और नीचे जाऊँगा मैं, और नीचे आने के बाद मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ। ये लोडिंग मिल लगा। अब यहाँ पे मैं, ये डाउनलोड बैनर है, इस डाउनलोड बैनर पे मैं क्लिक करता हूँ। 4 सेकंड में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ सेव। जब आप सेव फाइल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आप क्लिक कर देंगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पे लोडिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोडिंग का आइकन दिखाई लगा, इसी तरह लोडिंग ये होने लगी। तो मेरा ये ऐप डाउनलोड हो चुका है, अब मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। फाइल में जाके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये मेरी ऐप बनकर रेडी है। तो मैं इसको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ आपको। तो इंस्टॉल एनीवे पर मैं क्लिक कर देता हूँ इसको। दोस्तों हमारी ऐप ये इंस्टॉल हो चुकी है, तो मैं यहाँ से डन कर देता हूँ। डन करने के बाद मैं यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों स्लाइड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको ऐप को ओपन किया। तो दोस्तों यहाँ से मैं स्किप करता हूँ इसको। यहाँ से स्किप करने के बाद मैंने आपको इमेज डाल के दिखाया था, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखिए मैंने इमेज जो डाली थी वो इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे लिखा है कि सेट वॉलपेपर, तो एक ही आप अपनी मनपसंद इमेज इसमें रख सकते हैं, या किसी भी, अगर आप अपनी इमेज बनाते हैं या तो फोटोग्राफी करते हैं तो इसमें अपनी एल्बम बना के रख सकते हैं। और यहाँ पे सेट वॉलपेपर में क्लिक करके आप अपने मोबाइल में सेट कर सकते हैं वॉलपेपर, जैसे कि फ्री फायर गेम, तो उसकी इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है दोस्तों, देख सकते हैं। तो मैंने कहा था दोस्तों, मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ। दोस्तों मैंने कहा था कि कंप्यूटर में भी आप बना सकते हैं, तो वो भी तरीका मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। उसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब।